हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। सो बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड करने से पहले, डू यू नो दीज पीपल? कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस के पिक्चर आपको गिवन है, क्या इन लोगों को आप जानते हैं? एंड वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो सबसे पहले ये है हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया जो कि फ्लूट प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, बांसुरी। नेक्स्ट उस्ताद असद अली खान, और ये प्ले करते हैं वीणा, वीना प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट होगा वीना। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है इसमें थोड़ा सा डाउट है, प्लेयर्स के नाम आप खुद से फाइंड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट तो वायलिन है, दोनों वायलिनिस्ट हैं। सो नंबर 3 वायलिन। नेक्स्ट जाकिर हुसैन, और ये प्ले करते हैं तबला, तबला प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट है तबला। नेक्स्ट ये है अमजद अली खान, नंबर 5 अली खान, और इंस्ट्रूमेंट है सरोद, ये सरोद प्लेयर हैं। नेक्स्ट ये है पंडित राम नारायण, सारंगी प्ले करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, रविशंकर सितार प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट है सितार, और ये है जिनके बारे में आप चैप्टर में रीड करने वाले हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। जो कि शहनाई प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट है शहनाई। ओके, नाउ थिंक ऑफ अ शहनाई, एक शहनाई के बारे में सोचिए, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और पहली चीज जो शायद आप इमेजिन करेंगे आपके माइंड में आएगी, इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। वो या तो शादी कोई, क्योंकि वेडिंग में ही शहनाई बजती है, या फिर कोई ऐसा ही ओकेजन, कोई ऐसा ही फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और अगली चीज़ शहनाई के बारे में सोचने पर जो आपके माइंड में आए वो होगी शायद उस्ताद बिस्मिल्ला खान, द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। माइस्ट्रो ये क्लासिकल म्यूजिक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, माइस्ट्रो मतलब मास्टर, जो शहनाई के मास्टर है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए शायद आपके माइंड में वो आएंगे जब आप शहनाई के बारे में सोचेंगे। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सो बादशाह औरंगजेब, मुगल एम्परर थे ये, इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को अपने रॉयल रेजिडेंस में, अपने महल में प्ले करना, बजाना बैन कर दिया, क्योंकि इसकी साउंड बहुत ही श्रिल थी। श्रिल मतलब बहुत हाई पिच साउंड थी, कानों में चुभने वाली आवाज़ थी, अनप्लीजेंट, किसी को भी वो प्लीजेंट नहीं लगती, प्लीज नहीं करती, खुश नहीं करती, ऐसी उसकी साउंड थी। देखो पुंगी ऐसी होती है, ये है पुंगी। सो एम्परर औरंगजेब ने इसको प्ले करना बैन कर दिया, क्योंकि इसकी साउंड बहुत श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स हम बोलते हैं ऐसा, ये जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, हॉलो पाइप होता है, अंदर से खोखला होता है, इसको रीड बोलते हैं। तो इसमें एयर ब्लो जब हम करते हैं, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, बीच में एयर कॉलम्स होते हैं, तो जितने भी ऐसे रीडेड नॉइज मेकर्स थे, आवाज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे, सभी को एक जेनरिक नेम दे दिया गया। जेनरिक नेम मतलब अ नेम गिवन टू क्लास और ग्रुप एज अ होल, एक पूरे ग्रुप को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के सभी ग्रुप को एक कॉमन नाम दे दिया गया, पुंगी, सभी को पुंगी बुलाया जाने लगा। देखिए इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा कि पुंगी एक दिन रिवाइव करेगी, भले ही अभी उसको एम्परर ने, औरंगजेब ने बैन कर दिया है, लेकिन कभी ना कभी वो वापस जरूर आएगी।
अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बाय प्रोफेशन जो लोग म्यूजिशियन थे उनकी फैमिली में एक बार्बर एक नाई था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस में जिसका एक्सेस था मतलब आना जाना था, उसने डिसाइड किया डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो पुंगी की जो टोन है साउंड है उसको इम्प्रूव करेगा, उसको और बेटर बनाएगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, एक नेचुरल पाइप उसने लिया जो हॉलो था मतलब अंदर से खोखला था, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, पुंगी से लॉन्गर था वो, लंबा था और ब्रॉडर भी था, ब्रॉड भी था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप की बॉडी में उसने 7 होल्स कर लिए। वेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने प्ले किया इसको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, जैसे कि प्ले करते हैं पुंगी को, प्ले करते थे शहनाई को, प्ले करते हैं कुछ होल्स को हम अपनी फिंगर से क्लोज करते हैं, कुछ को ओपन करते हैं, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, तो बहुत ही सॉफ्ट, मेलोडियस बोलते हैं मतलब बहुत स्वीट, हिंदी में मधुर आवाज़ जिसको कहते हैं, वैसी साउंड इससे प्रोड्यूस होने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब जो रॉयल लोग होते हैं राजा के साथ दरबार में जो लोग बैठते हैं उनके सामने उसने प्ले किया इस इंस्ट्रूमेंट को, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, सभी लोग बहुत इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से बहुत डिफरेंट था, ये दो पिक्चर्स भी आपको गिवन है, ये है पुंगी ये है शहनाई, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इसको एक नया नाम देना ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर्स, अच्छा औरंगजेब ने इसको बैन किया था हिस्ट्री में आप देखेंगे, उनके सन का नाम था आजम शाह, तो शायद उसके दरबार में फिर से रिवाइव हुई होगी जब वो राजा बने, तो शायद तब उस बार्बर ने ये प्ले किया होगा शाह के चैम्बर में, तो क्योंकि पहली बार ये शाह के चैम्बर में प्ले की गई थी, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक बार्बर नाई जिसको हिंदी में कहते हैं उसने प्ले की थी, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई, एग्जाम में आ सकता है कि क्यों इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई है, शाह के दरबार में सबसे पहली बार इसको प्ले किया गया था और नाई ने प्ले किया था इसीलिए शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, हिंदी में शुभ जिसे कहते हैं, तो अभी शहनाई के साउंड को शुभ समझा जाने लगा, एंड फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको अभी भी टेम्पल्स मंदिरों में प्ले किया जाता है, एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब बहुत ही ज़रूरी, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता, तो ये इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। इन द पास्ट, पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई नौबत का पार्ट थी, नौबत मतलब ट्रेडिशनल ऑनसॉम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, ऑनसॉम्बल बोलते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को। सो पहले दरबार में, राजा के दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता था, उसको नौबत कहते थे, शहनाई भी उसका एक पार्ट था। टिल रिसेंटली अभी तक इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसको टेम्पल्स में मंदिरों में या शादियों में ही प्ले किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। एज अ 5 year old, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास में ये गिल्ली डंडा खेलते थे, इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, बिहार के दुमराव में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहार, बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी टेम्पल में वो जाते थे, पास में ही था, टू सिंग भोजपुरी चैत्य, भोजपुरी चैत्य गाने के लिए, एट दी एंड ऑफ विच, और जब वो उसको कंप्लीट करते थे आखिर में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, उनको एक लड्डू दिया जाता था, बड़ा सा लड्डू 1.25 kg का, एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये प्राइज के जैसा था क्योंकि चैत्य उन्होंने गाया है, लोकल वहाँ के जो महाराजा थे वो इसको देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये अब तो 80 साल से भी पुरानी बात होगी, जब चैप्टर लिखा गया तब 80 years की बात थी, ये पैदा हुए थे 1916 में, 5 साल के होंगे 1921 में, अभी है 2023, यानी कि अब तो ये 100 साल से भी पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और यहाँ से इस बॉय ने, जो गिल्ली डंडा खेलता था मंदिर में जाकर गाने गाता था, वहाँ से इसने अपनी जर्नी पूरी की और फाइनली इनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, भारत रत्न, वो मिला। बॉर्न ऑन 21st of March 1916 में ये पैदा हुए,
बिस्मिल्ला बिलोंग करते थे टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार की एक वेल नोन जानी मानी म्यूजिशियंस की फैमिली से। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग के कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श और उनके जो बाकी दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से जो एंसेस्टर्स उनके पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, सभी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, घर में क्योंकि सभी म्यूजिशियंस थे सो इन्होंने जल्दी ही म्यूजिक को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल के थे, वेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस, जब इनकी मदर इनको इनके मामा के घर पर लेकर गई बनारस में जो अभी वाराणसी है, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। मतलब मदर की तरफ से भी लोग म्यूजिशियंस ही थे, तो इनके मामा को इन्होंने देखा कि वो शहनाई प्ले कर रहे हैं, उसको देखकर बहुत फैसिनेटिंग ये हुए इनको, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अट्रैक्टिव लगा वो। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही वो उनको अकम्पनी करने लगे, उनके साथ जाने लगे अली बख्स के साथ टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में जहाँ पर बख्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर उनके जो मामा थे वो शहनाई बजाना उनका काम था, शहनाई बजाते थे। अली बख्स वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई प्ले करते हैं, एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ऑन एंड का मतलब है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके कैप्टिवेट होकर, कैप्टिवेट मतलब जैसे हिंदी में मंत्र मुग्ध होकर बोलते हैं उस तरीके से, वो वहाँ पर बैठे रहते थे बिना रुके। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने उनको लेसन्स दिए जाने लगे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरा दिन बैठकर वो प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर बैठकर वो प्रैक्टिस करते थे। सो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया और गंगा के बैंक्स, गंगा किनारे गंगा के घाट पर बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अप्रेंटिस बोलते हैं ट्रेनी को, लर्नर जो कोई काम सीख रहा है। सो ये जो यंग अप्रेंटिस थे, सीखने वाले थे, उनका फेवरेट जगह बन गई ये तीनों जगह, मंगला मैया और बालाजी का टेम्पल और गंगा घाट, जहाँ पर वो सॉलिट्यूड में बहुत शांति से आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे एकांत में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का जो बहता पानी था वो उनको इंस्पायर करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। कुछ राग को इम्प्रोवाइज करने में, इम्प्रोवाइज करना मतलब उसमें कुछ न्यू ऐड करना, और इन्वेंट करना मतलब नया ही कुछ बनाना। सो राग में वो इम्प्रोवाइज करते थे, नए राग इन्वेंट करते थे, ऐसे राग जिनको पहले माना जाता था कि वो शहनाई की रेंज से बियॉन्ड है, मतलब शहनाई की रेंज नहीं है उन राग्स को प्ले करने की, तो ऐसे राग उन्होंने इन्वेंट किए वहाँ पर बैठकर। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द अहमदाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जब बिस्मिल्ला 14 ईयर्स के थे तो वो अपने अंकल के साथ अहमदाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एंड एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल मतलब जब उन्होंने शहनाई बजा ली उसके बाद में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फयाज खान ने इनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो हार्ड वर्क करो एंड यू शैल मेक इट, मतलब जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं तुम करना चाहते हो उसको करने में तुम सक्सेसफुल रहोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, बिग ब्रेक मतलब फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली बिस्मिल्ला खान को वो 1938 में मिली जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, ऑफन मतलब ज़्यादातर उनकी शहनाई अक्सर सुनने को मिल जाती थी रेडियो के ऊपर। व्हेन इंडिया इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। रेड फोर्ट से सबसे पहले जिस पर्सन ने आज़ाद भारत को ग्रीट किया था वो थे बिस्मिल्ला खान अपनी शहनाई के साथ। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी, राग काफी बजाया था उन्होंने बहुत दिल से फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपनी ऑडियंस के लिए जिसमें उनकी ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी ये एक चैप्टर का नाम भी है, मतलब कि जो डेस्टिनी है हमारी किस्मत है, समथिंग दैट इज डेस्टिन फॉर अस, उसके साथ हमें सीक्रेट डील कर लेनी चाहिए। नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो फर्स्ट स्पीच दी थी रेड फोर्ट से, उसमें उनकी स्पीच में ये वर्ड्स थे, तो उसके बाद उन्होंने ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी की अपनी फेमस स्पीच दी। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड,
इंडिया में बाहर के देशों में भी बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारी मेमोरेबल मतलब याद रखने वाली यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, पहली जो उनकी अब्रॉड की ट्रिप थी उस पर वो अफगानिस्तान गए थे, जहाँ पर किंग जाहिर शाह, अफगानिस्तान के किंग थे जाहिर शाह, वॉज सो टेकन इन बाय, टेकन इन बाय का मतलब है अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय, इतने खुश वो हुए बाय द माइस्ट्रो मास्टर बिस्मिल्ला खान से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि बहुत कीमती पर्शियन कारपेट्स उन्होंने बिस्मिल्ला खान को दिए, एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट, कोई भी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर प्लेस से, पर्सन से या किसी इवेंट से एसोसिएटेड हो। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट दी ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक। अफगानिस्तान के किंग ही अकेले ऐसे नहीं थे जो इतने फैसिनेटेड थे बिस्मिल्ला के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल, किसी फिल्म फेस्टिवल पर या म्यूजिक फेस्टिवल पर जब उन्होंने बिस्मिल्ला को प्ले करते हुए सुना, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट शहनाई है उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, ये फिल्म हिट रही एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कॉम्पोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो इसमें बिस्मिल्ला खान का एक कॉम्पोजिशन, एक सॉन्ग भी था दिल का खिलौना है टूट गया, नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर वो सॉन्ग रहा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड मतलब एक ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, जो फिल्मी दुनिया है उसके लिए एक पुराने टाइम पर वर्ड यूज़ किया जाता था। सो सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स, वेंचर मतलब प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क इन द फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड टू टू, सिर्फ दो ही फिल्म वेंचर्स इनको मिले। इतनी फिल्म में इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, एक कन्नड़ मूवी सनाधि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद, दो मूवी के नाम ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। विक्रम भट्ट की गूंज उठी शहनाई, सिर्फ दो ही मूवीज़ में उन्होंने सॉन्ग्स दिए हैं उनकी कॉम्पोजिशन है, और एक कन्नड़ मूवी, डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास है, सनाधि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। तो बिस्मिल्ला खान क्या कहते हैं कि फिल्मी दुनिया की जो आर्टिफिशियलिटी है, इतना बनावटीपन है उसमें, ग्लैमर है, बहुत दिखावा है, इसके साथ मतलब आई कांट कम टू टर्म्स, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इनको अवार्ड्स और रिकग्निशन मतलब पहचान मिली। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के प्रेस्टिजियस बहुत जाने माने फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले पहले जो इंडियन थे वो बिस्मिल्ला खान थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियाल, मॉन्ट्रियाल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी इन्होंने पार्ट लिया, इन द कान आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। सो वेल नोन, इतने वेल नोन ये हो गए थे, डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पर रखा गया, तेहरा तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, कुछ नेशनल अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, पद्मश्री वो तो हमने देखा ही, भारत रत्न भी इनको मिला है, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड मतलब गिवन, एक अवार्ड के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये सभी अवार्ड्स भी इनको दिए गए हैं। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, उसके बाद 2001 में इंडिया का जो हाइएस्ट सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न इनको मिला, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, कोवेटेड मतलब होता है मच डिजायर्ड, बहुत फेमस प्रेस्टिजियस ये जो अवार्ड है, इसको अपनी चेस्ट, उनकी मतलब चेस्ट पर ही रखा हुआ था क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे। 2001 में पैदा हुए, 85 ईयर्स के थे, ये रेस्ट कर रहे होंगे, चेस्ट पर अवार्ड रखा था, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ग्लिंट करना मतलब चमक थी उनकी आंखों में, चमक रही थी आंखें, अलग ही खुशी थी एक। वो कहते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो म्यूजिक है हमारा हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूजिक,
वेस्टर्न कंट्रीज से भी बच्चे अभी हमारे म्यूजिक को सीखने आते। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घूमने के बाद भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उनको लोग प्यार से खान साहब बोलते थे, ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव। दुमराव हमने देखा जहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, और बनारस जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की, शहनाई की, तो इन दोनों से ही उनको बहुत लगाव है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घूमने के बाद भी दुमराव और बनारस उनके लिए वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन्स हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि वो USA में एक शहनाई स्कूल को हेड करे। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लीकेट मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना देना किसी चीज़ की। तो स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि जो बनारस का एटमोसफियर है वो एज इट इज़ रिक्रिएट कर देगा उसको USA में, सभी टेम्पल्स बना देगा कि कॉपी वहाँ पर बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन बिस्मिल्ला खान ने उनसे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम वहाँ पर गंगा रिवर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई, तो बाद में वो कहते हैं दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं किसी बाहर के देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरा मन हिंदुस्तान को देखने के लिए करता रहता है। जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, होली गंगा, पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता हूँ। जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव, तो मैं दुमराव का जो यूनिक मठा मिलता है वहाँ पर उसके बारे में सोचता हूँ। अभी ये एक रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 एक इंटरव्यू का पार्ट है। शेखर गुप्ता इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हेन पार्टीशन हैपन्ड, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, पार्टीशन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची। बिस्मिल्ला खान कहते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़कर जाऊंगा, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं लगभग एक घंटा वहाँ रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने सारे पाकिस्तानीज को नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और इंडियंस को सलाम अलैकुम, आई हैड अ गुड लाफ। सो उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया का जो कल्चर है, वो कल्चरल हेरिटेज है, वो कितनी रिच है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट द डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट मतलब जो स्ट्रांगली रिलीजन में बिलीव करता हो। उस्ताद बिस्मिल्ला खान मुस्लिम थे, रिलीजन इस्लाम रिलीजन में भी बिलीव करते थे। लाइक हिम कैन बी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ विश्वनाथ टेम्पल, तो ये भारत में ही हो सकता है। ऐसा डिवाउट मुस्लिम को हमने एफर्टलेसली, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया कि वो रोज़ नेचुरली जाते हैं और काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई प्ले करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21st of October 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ होती है। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल उनको दी गई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी भारत सरकार ने घोषित किया। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।